प्योरिटी का मोरल लेसन हमें जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जीना है तो आज में जीवो, है ना। मेन थिंग इज दैट टुडे जो आपको कर रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है, जो जिसके लिए कर रहे हैं वो पीपल इम्पोर्टेंट है। ऑल दिस अबाउट दिस लेसन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द किंग एडवाइस टू गो टू मैजिशियन। आपको पता है जब हम लेसन एक्सप्लेन कर रहे थे मैजिशियन आया कि फ्यूचर में फ्यूचर के बारे में सब पता चल जाए, तो ये हमें प्लानिंग करने का पता चले एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो बोल रहे हैं कि व्हाई द किंग एडवाइस टू गो टू मैजिशियन। उसका आंसर है पैरेलली योर प्रेडिक्टर विद मी। ओके, द किंग वाज एडवाइस टू कंसल्ट द मैजिशियंस बिकॉज दे अलोन कुड लुक इनटू द फ्यूचर एंड डिसाइड द राइट टाइम टू डू थिंग। ओके, आई एम रिपीटिंग, द किंग वाज एडवाइस्ड टू गो टू कंसल्ट सम मैजिशियंस बिकॉज दे अलोन कुड लुक इनटू द फ्यूचर एंड डिसाइड द राइट टाइम टू डू अ थिंग। ओके, next question, in answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? Mara jo question hai, in answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? Our answer hai, in answer to the second question, the people said that the advice of the counselors, the advice of the counselors or priest, priest मतलब जो उपदेश देते हैं, priest or doctors, doctors की advice तो कोरोना में जरूरी है, doctors or soldiers would be important to the king. Second जो question था उसके answers हमें इस तरह से मिले थे। ओके, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट सजेशंस वेर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो था उसके आंसर क्या मिले, आंसर इज इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड दैट साइंस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अदर्स सजेस्टेड फाइटिंग और रिलीजियस वर्शिप। तीन टाइप के आंसर अलग अलग मिले, सम से रिलीजियस वर्शिप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सम फाइटिंग जो रिलेटेड है वो इश्यूज वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जो मिला एक आंसर साइंस वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसा अलग अलग आंसर मिले। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट व्हाई नॉट। ओके, राजा ने किंग ने ऐसा भी बोला था कि जो मुझे सेटिस्फाइड करेगा दे डेफिनेटली विल गेट सम रिवॉर्ड्स फ्रॉम किंग, बट किंग को कोई आंसर सेटिस्फैक्टरी लगा ही नहीं, दैट इज व्हाई किंग ने कुछ रिवॉर्ड नहीं दिया। नो, आंसर में है नो, द वाइज मैन, मैन एम ई एन, ओके प्लूरल, वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड बिकॉज नन कुड गिव अ सेटिस्फैक्टरी आंसर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हैव द माउंटेड मैन। अब इस स्टोरी में फ्लैशबैक में जाओ, हर्मिट और किंग काम कर रहे थे तो एक माउंटेड मैन आया था, दौड़ता दौड़ता स्टमक पे प्रेस किए हुए अपने हैंड्स और यहाँ के फिर फेंट फेंट मतलब अनकॉन्शियस हो जाना, है ना। उसके बाद कैसे उसे क्योर किया वो हमारा क्वेश्चन है, उसका आंसर है द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द माउंटेड मैन्स क्लोथिंग, स्टमक पे था इसके उसके क्लोथ रिमूव किए, द किंग वॉश द माउंट एंड कवर्ड इन विद हिज हैंडकरचीफ। किंग ने उसका माउंट जो था वो वॉश किया फिर अपने हैंडकरचीफ से उसे कवर किया विद हिज हैंडकरचीफ, ही ड्रेस द माउंट अ सेकंड टाइम टू स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग तो कॉन्स्टेंट था इसलिए दोबारा भी उसने वॉश किया और रीड्रेस किया। ओके, सेकेंड टाइम टू स्टॉप द ब्लीडिंग, देन द किंग एंड द हर्मिट कैरी द मैन टू अ वे इन द हर्ट, हर्ट में ले गए और वहां पे उसको
रेस्ट के लिए सुलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द बियर्ड मैन, वो वाउंडेड मैन भी बोलते हैं, उसे बियर्ड मैन भी बोलते हैं, वो एक ही मैन है। ओके, वो कौन था बियर्ड मैन? तो आंसर है द बियर्ड मैन वाज इन फैक्ट द किंग्स एनिमी, वो किंग का एनिमी था। अभी याद आया ना, उसके ब्रदर को डेथ का पनिशमेंट दिया था किंग ने, देन आफ्टर प्रॉपर्टी सीज कर लिया था। ओके, बियर्ड मैन वाज इन फैक्ट द किंग्स एनिमी, ही हैड टेकन अ वो टू टेक रिवेंज, उसने सौगन ली थी कि मैं राजा से बदला लूंगा। लाइक दैट द किंग हैड किल्ड द मैन्स ब्रदर एंड कंफिस्केटेड ऑल हिज प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही आस्क फॉर किंग्स फॉरगिवनेस, किंग की माफी क्यों मांगता है? बियर्ड मैन आया था तो बदला लेने, रिवेंज लेने आया था ना उसे किल करने, तो फिर माफी क्यों मांग रहा था? आंसर इज द वाउंडेड मैन और माफी इसलिए मांगी कि मैं आपको मारने आया था और आपने तो मेरी जान बचा ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग फॉरगिव द बियर्ड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। अभी क्या किंग ने माफ कर दिया वाउंडेड मैन को? यस और नो? यस। फिर वो माफी शो करने के लिए उस किंग ने और क्या किया? उसका जो पर्सनल डॉक्टर था वो अपॉइंट किया, फिर उसकी प्रॉपर्टी जो सारी उसने दी वो वापस कर दी, ऐसा सब था ना। ओके, प्रॉपरली आंसर सुनो, द किंग फॉरगेव द बियर्ड मैन, ही प्रॉमिस्ड टू सेंड हिज सर्वेंट एंड द डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, ही आल्सो रिटर्न द प्रॉपर्टी सीज्ड बाय हिम। प्रॉपर्टी वापस कर दी, सर्वेंट और डॉक्टर भेजे पर्सनल केयर के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस जो है वो रियल में हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेयर द होमीज आंसर टू द थ्री क्वेश्चंस, बहुत प्यारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कभी पढ़ाई से क्या होता है? कभी कभी होता है, मतलब हम किसी चीज ना किसी सेंटेंस को लव करने लगते हैं। सच में ये जो है ना कि राइट टाइम इज नाउ, वो इस चीज से मुझे तो मतलब एकदम अटैचमेंट हो गया कि सच में सीखने वाली बात है, जो चीज हमें अच्छी लगती है ना वो तुरंत सीख लेते हैं। तो ये जो है वो अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं कि दाएं रटना मारना भी लिखना, ऐसे नहीं, एग्जाम के लिए नहीं बोल रही हूँ, लाइफ में सीखने के लिए ये आंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट वेयर द हर्मिट आंसर टू द थ्री क्वेश्चंस, राइट ईच आंसर सेपरेटली, व्हिच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई। ओके, चलो फर्स्ट इनटू इन्वर्टेड कॉमा है, नाउ द प्रेजेंट टाइम वाज द बेस्ट टाइम, हैड ही गॉन बैक ही वुड हैव बीन किल्ड बाय हिज एनिमी। नेक्स्ट जो है, द बियर्ड मैन वाज द बेस्ट मैन एट द मोमेंट और इम्पोर्टेंट मैन एट दैट मोमेंट। थर्ड, टू डू गुड टू द हर्मिट एंड द बियर्ड मैन वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द किंग। आई लाइक द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट बिकॉज इट इज द मोस्ट लॉजिकल। ओके, मेरे हिसाब से नाव वाला जो है वो बेस्ट है, जीना है इस मोमेंट में जीवो, नाव रिएक्टिंग करो अभी नाव, अभी क्या इम्पोर्टेंट है, अभी क्या लोग इम्पोर्टेंट है, अभी जो कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। ओके, दिस इज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन आंसर्स एंड देन आफ्टर मैच एंड ब्लैंक्स इट इज लेस इम्पोर्टेंट, वी विल डिस्कस इट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अदर मेमोरीज। ओके, क्योंकि ये जो शॉर्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट है पर लेस है, बट ये जो क्वेश्चन आंसर है ना वो पूरा निचोड़ है, आप बोल सकते हो कि पूरा का पूरा जो लेसन है ना इन्हीं क्वेश्चन में समाया हुआ है। देन यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑन द लेसन नंबर फर्स्ट थ्री क्वेश्चन एंड वी विल लर्न नेक्स्ट मे बी इस पोएम और लेसन और ग्रामर, डेफिनेटली हमने ग्रामर
ग्रामर के जो है एक दो लेक्चर हो गए, अभी दो तीन ये है। तो नाउ वी विल लर्न पोएम। पोएम जो है इसकी एक खास बात ये है कि बहुत अच्छा लगता है पोएम में जब होती है छोटी सी पर उसका बहुत बड़ा मोरल निकलता है, तो वो अलग अलग मोरल निकालने में बहुत मजा आएगा। विल डेफिनेटली एंजॉय ऑल अवर पोएम्स टिल देन। या आपको जो है क्वेश्चन आंसर वो डिक्टेट कर लेना, मे बी यू शुड इन योर होमवर्क। ओके देन वी विल बी मीट इन नेक्स्ट लेक्चर फॉर डेफिनेटली पोएम।